गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम कहानी के लेखन के बारे में अभ्यास करेंगे। तो कहानी जो रूपरेखा होती है, ढांचा होता है, उसके आधार पर कहानी के उसको शीर्षक और सीख लिखनी चाहिए। तो एक स्टोरी है जो आपको CW में अच्छे राइटिंग से लिखनी है, व्याकरण विभाग में। तो उसमें ये रूपरेखा है कि एक राजा लड़ाई में हारना, शत्रु का भय, गुफा में छिपना, छत पर चढ़ने के लिए मकड़ी का प्रयत्न, अनेक बार चढ़ना, गिनना, अंत में सफलता, राजा में हिम्मत आना, और साहस जुटाना, फिर चढ़ाई करना, जीतना और सीख। तो इसमें कहानी लिख सकते हैं कि उसकी कहानी का शीर्षक है प्रयत्न से सफलता। तो एक राजा था, वह तो बहुत पराक्रमी, पर उसके पास सैन्य बल अधिक न था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसकी इस कमजोरी से लाभ उठाने का निश्चय किया। उसने उस पर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई के बाद पहला राजा हार गया। उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा। पराजित राजा शत्रु के भय से जंगल में भाग गया। वहीं एक पहाड़ की गुफा में उसने शरण यानी आश्रय लिया। एक दिन वह उस गुफा में चिंतित होकर बैठा था। इसी समय उसकी दृष्टि गुफा की दीवार पर चढ़ती हुई एक मकड़ी पर पड़ी। पर वह मकड़ी गुफा की छत पर पहुंचना चाहती थी, लेकिन कुछ ऊपर चढ़कर फिर नीचे गिर पड़ती थी। मकड़ी ने कई बार प्रयत्न किया, पर उसे सफलता न मिली। प्रत्येक बार वह नीचे गिर पड़ती थी, इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत हारी नहीं। अंत में उसने पूरी हिम्मत लगाकर चढ़ना शुरू किया और वह छत पर चढ़ गई। मकड़ी की इस हिम्मत और सफलता ने राजा को चकित कर दिया। उसे एक नई दृष्टि मिल गई। उसकी रगों में भी साहस का संचार हुआ। उसकी निराशा और चिंता छूमंतर यानी अदृश्य हो गई। वह फिर अपने राज्य में लेटा और गुप्त रूप से सैन्य जमा करने लगा। फिर उसने पूरी शक्ति से शत्रु राजा पर चढ़ाई कर दी। उसने आत्मविश्वास से युद्ध किया और वह जीत गया। शत्रु राजा मारा गया और उसकी बची हुई सेना दुम दबाकर भाग गई। इस प्रकार राजा को अपना राज्य तो मिला ही, शत्रु का राज्य भी मिल गया। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि सचमुच छोटे छोटे जीवों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। निष्फलता मिलने पर भी प्रयत्न जारी रखने से अंत में सफलता जरूर मिलती है। उसके बाद ये दूसरी कहानी है। तो वो कहानी है कि चार चोरों का मिलकर धन चुराना, फिर बंटवारा करने के लिए जंगल में जाना, भूख लगना, दो चोरों का मिठाई खरीदने के लिए नगर में जाना, नियत बिगड़ना, मिठाई में जहर मिलाना। इधर जंगल में दोनों चोरों के मन में भी पाप, मिठाई लाने वाले को मार डालने की युक्ति, हाथ मुंह धुलाने के लिए दोनों को कुएं पर ले जाना, कुएं में ढकेल देना, मिठाई खाकर बाकी के दो चोरों का भी मर जाना, और लास्ट में है सीख। तो इस कहानी में उसका शीर्षक है जैसा करोगे वैसा पाओगे, अथवा जैसी करनी वैसी भरनी। तो उसमें कहानी में आगे बढ़ते हैं कि एक रात चार चोरों ने मिलकर सेठ के घर में चोरी की। चोरी में उन्हें बहुत सा धन मिला। उस धन का बंटवारा करने के लिए वे जंगल में गए। चोरों को बहुत जोर की भूख लगी थी।
सुबह होने ही वाली थी। उनमें से दो चोर मिठाई खरीदने के लिए कहाँ गए? शहर गए और शहर की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन दोनों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने सोचा कि जंगल में बैठे हुए दोनों चोरों को मारकर सारा माल हम हजम कर ले। इस इरादे से उन्होंने मिठाई खरीद कर उसमें से कुछ खाई और बाकी बची हुई मिठाई में जहर मिला दिया। तो इधर जंगल में बैठे दोनों चोरों के मन में भी ऐसा ही बुरा विचार आया। मिठाई खरीदने के लिए शहर में गए। अपने दोनों साथियों को उन्होंने मार डालने की तरकीब सोची। जैसे ही वे दोनों मिठाई लेकर आए, वे हाथ मुंह धुलाने के लिए बहाने उन्हें कुएं पर ले गए और मौका पाकर उन्होंने दोनों को कुएं में ढकेल दिया। दोनों चोर कुएं में डूबकर मर गए। इसके बाद दोनों चोरों ने पेट भरकर मिठाई खाई। थोड़ी ही देर में मिठाई का जहर उनके सारे शरीर में फैल गया और देखते ही देखते उन दोनों के भी प्राण निकल गए। सीख है, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, जो जैसा करोगे वैसा ही फल मिलता है। बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है, तो जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें क्या मिलता है? हमें फल मिलता है। और जैसा जो हम अच्छा काम करेंगे तो हमें फल अच्छा मिलता है और बुरा करेंगे तो बुरा पर। तो गीता में भी कहा गया है कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हमें जैसा हमें हमेशा इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें पहली कहानी से क्या सीख मिलती थी कि हमें हमेशा प्रयत्न करवा जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए तो उसका सामना करना चाहिए, उससे हार कर दूर नहीं भागना चाहिए। वैसे ये दोनों दूसरी स्टोरी है, इसमें हमें अपने कर्म सुधारने चाहिए। हम जैसा कार्य करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। और जो कहानी लिखते हैं इसी तरह कोई भी ढांचा यानी रूपरेखा आपको दी जा सकती है। एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो रूपरेखा दी जाती है उसमें से जो पॉइंट है, जो एक एक मुद्दा है उसमें अपने जो विचार है वो उसको उसमें रख कर फिर लिखना है और जो स्टोरी है उसको दिलचस्प बनानी है। और जो ढांचा है उस पर से क्या होता है, लिख कर उसे शीर्षक देना होता है। कहानी में लिखा ऐसे ही एग्ज़ाम में लिखा गया होता है कि निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे शीर्षक, योग्य शीर्षक और सीख लिखिए। तो पहले क्या करना है, जो ढांचा दिया है इसकी जगह कोई भी कहानी आ सकती है, तो कहानी आ सकती है तो उसकी जो रूपरेखा है उस पर क्या करना है, लिखना है। और फिर वन बाय वन जो उसके जो पॉइंट है उसके बारे में लिखकर फिर अंत में क्या करना है, उसको जो कहानी है, जैसे पहली कहानी को हमने शीर्षक दिया कि प्रयत्न से सफलता, दूसरी कहानी है कि जैसी करनी वैसी भरनी, अथवा तो जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो उसी तरह हमें शीर्षक देना है, कोई भी स्टोरी हो उसको कहानी लेखन सुंदर और स्वच्छ शब्द में लिखना है। और आपको ये और फिर क्या करना है, सीख भी देनी है। जैसे पहली कहानी में सीख दिया कि सचमुच छोटे बड़े जीवों से भी हम
बहुत कुछ सीख सकते हैं। निष्फलता मिलने पर भी प्रयत्न जारी रखने से अंत में सफलता जरूर मिलती है। तो दूसरे कहानी किसी के जो जैसा करता है वे उसे वैसा ही फल मिलता है, बुरे काम का परिणाम बुरा है। तो आपको ये इस कहानी है वो सील डब्ल्यू में ग्रामर पार्ट दिया गया उसमें आपको लिखनी है दोनों कहानियाँ, और उसके रूपरेखा भी लिखनी है, और जो कहानी है सुंदर और स्वच्छ शब्दों में लिखना है, और उसका जो शीर्षक दिया गया है वो भी लिखना है, और जो नीचे सीख दी गई है उसे भी लिखना है, सुंदर और सुवाच्य अक्षर में लिखना है। ह्रस्व दीर्घ की भी उनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वैसे ही, और जो वन बाय वन जो पैराग्राफ है वैसे ही लिखना है, जो रूपरेखा दी गई उसके अनुसार हमें कहानी लिखनी है। तो यहाँ पर ये पीरियड खत्म हो गया है। थैंक यू।